नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। ऐसा लग रहा है कि CAA, NRC और NPR की आग को शीत लहर बार बार हवा देती जा रही है। ये आग जब कम होना शुरू होती है तब न जाने कहां से एक हवा का झोंका आता है और इस आग को बढ़ा देता है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां दो दिन से बढ़ती ठंड के साथ ही NCR, NPR और CAA का मसला भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में घंटाघर के मैदान में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा कल रात से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। इनके प्रदर्शन पर पुलिस और प्रशासन बेहाल दिखाई दे रहा है। इस प्रदर्शन को शांत कराने के लिए उनके सभी प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। बहरहाल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कल रात से यहाँ पर CAA नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा ये घंटाघर है, घंटाघर पे जो है प्रदर्शन कर रही है, पूरी रात यहाँ पर रही है। इतने कड़ी ठंड होने के बावजूद भी ये अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए महिलाएं यहाँ पर है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा समझाया भी गया है लेकिन वो अपने मांगों पर अड़ी हुई हैं और एक ही मांग है कि नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिया जाए, वरना इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। जी, और यहीं पे जब तक ये टेंशन ना हो जाए। जी, क्यों ना रहे भाई, अगर सबका नाम आप लगाइए तो कोई बात नहीं। हमारा नाम क्यों निकाला गया? पहले हमारा नाम लगाइए, हम सबका, हम तो अपने घर चले जाएंगे। अब हिंदुस्तान क्यों छोड़े? किसी के बाप का है क्या हिंदुस्तान? तो हिंदुस्तान छोड़ने के लिए आपसे कौन कह रहा है? अरे जो भी कह रहा है, ये NRC है, CAB है, CAA, क्यों सब हम ही लोगों से क्यों है? सब पे करिए ना, पहले तो टेररिस्ट घुस आ रहे हैं उनको पकड़िए, फिर हम लोगों को देखिए ना। हम लोग के टेररिस्ट हैं। आप लोग यहाँ कब तक रहेंगे? कोई जब तक हम लोग नहीं हटना, जब तक हम लोग हाथ नहीं रहेंगे तब तक हम रहेंगे। जी, कोई नहीं निकाल सकता हम लोगों से। जी, जैसा कि अभी हमने बात किया यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी महिला से, उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक वो लोग यहीं रहेंगी और उसी ठंड में अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर विरोध करती रहेंगी। एक हमारे संग एक लोग और जुड़ चुकी हैं बात करने के लिए। जी मैं बताएं क्या कुछ करना है। आपको बता दें कि इससे पहले जब प्रदर्शन लखनऊ में हुआ था तब सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए सख्त कदम उठाया था और काफी समय के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, जहां कल रात में लाइट की आपूर्ति कट कर दी गई थी, उसके बाद किस तरीके से सरकार का एक्शन होगा यहां पर और क्या एक बार फिर से राजधानी लखनऊ के अंदर इंटरनेट की सुविधाएं बंद होंगी। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।